गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मॉर्निंग से ही नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए कुछ व्लॉगिंग नहीं किया, तो सोचा कर्फ्यू है चारों तरफ, कहीं पे जा नहीं सकते, तो सोचा आज एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर, मतलब वीडियो शूट कर लेती हूँ पहले और फिर अपलोड, ना मुश्किल है, और फिर अपलोड करेंगे बाद में। तो एक वीडियो शूट करूंगी। टॉपिक क्या सोचा मैं, मेरा एक छोटा मेरा मॉर्निंग रूटीन जिसमें होगा थोड़े बहुत। करते हैं आज का दिन। बहुत धूप है, आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का नजारा। मॉर्निंग उठ के ग्रीनरी देखने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर के सामने अभी ग्रीनरी सब काट दिया है और ये सब बाकी रह गया है मेरे घर के सामने, और वो वाला हमारे कार उधर अकेला अकेला खड़ा है। वो भी सोच रहा होगा कि हम मुझे कहीं घर घुमाने क्यों नहीं लेके जा रहे ये लोग, हो क्या रहा है चारों तरफ, इसको थोड़ी पता कोरोना ने हमारा जिंदगी कितना झंड कर दिया है। तो चलिए, इतने धूप में आई कांट स्टे एनी मोर, चलते हैं भूतिया हवेली पे। देखिए क्वार्टर का कैसा हालत हो गया है बाहर, डॉक्टर्स क्वार्टर ऐसे होता है, आई नेवर न्यू। चलिए शुरू करते हैं फिर, उसका दिन ब्रश कर लेती हूँ। तो ब्रश हमने ले लिया है और अभी हम लोग छत पे जाएंगे। छत पे जा रहा है ब्रश करने, चलो ब्रश करते हैं। कहाँ पे जाएं यार, ये देखो हमारा छत से व्यू, छत पे इतना अच्छा लगता है। खाली यहाँ पे रखती हूँ कैमरा, यहाँ पे रखती हूँ अपना कैमरा। हवा आ रहा है मस्त, और मैं ब्रश करके आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ ब्रश व्रश करके और भगवान का जो पूजा था वो करके, क्योंकि ये एक मॉर्निंग रूटीन है तो इसमें एक एसेंशियल चीज़ ये है, जी हाँ पानी। और मॉर्निंग रूटीन में पानी पीना इंक्लूड करना ही चाहिए। तो मैं लेके आ गई हूँ मेरा ये वाला पानी का जार जिसमें से मैं पानी पीती हूँ। हमें हमेशा पानी पीना अच्छा भी नहीं लगता, तो आपको जिसमें ऐसा कुछ हम सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें होती है जिससे हम लोग पानी पी, हमको पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा ग्लास हो, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ होता ही होता है हम सबकी लाइफ में। और आपकी लाइफ में ये कौन वो वाला कौन सा चीज़ है जिससे आपको पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। और मेरे लिए ये है, इससे मुझे पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, कुछ तो अटैचमेंट होता है सबका कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ, तो मैं इससे पानी पी लूँ, इससे पीऊँगी पानी। ये फुल बॉटल, और पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारा पानी, थोड़ा नहीं बहुत सारा। कैमरा को लग गया तो यहाँ पे मैं सेकंड ही था। ये हम बिगनर्स के लिए पहला वो है, क्या बोलते हैं, हेडेक कि कैमरा कहाँ पे सेट करें, कैमरा का फोकस आना चाहिए और बैकग्राउंड भी ठीक ठाक दिखना चाहिए, सब और हाँ पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए।
वैसे तो ग्लास से पीना चाहिए पानी, ताकि ये वाले पोर्शन पे हमें मतलब प्रेशर ना आए बार बार ऐसे ऐसे करने से. लेकिन मतलब हैबिट हो गया है तो आई कांट चेंज नाउ. ग्लास से पानी पीने का आदत आई थिंक 12th तक था. हाँ, एक्चुअली आई फॉरगॉट हाउ टू ड्रिंक वाटर इन अ ग्लास. तो जिसे बारिक में पी रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी पीने से मतलब पेट फुल जैसा लगता है और वी कांट ड्रिंक मोर वाटर. सो एक ही बार में करके पीने से खत्म हो जाएगा. थोड़ा अब टाइम बैठते हैं, 5-7 मिनट ऐसे वेट करते हैं, पानी को अंदर जाने देते हैं थोड़ा नीचे, और फिर हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज करने. हर रोज तो मैं घर पे करती हूँ, लेकिन आज वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैंने सोचा आज हम लोग छत पे जाते हैं. छत पे जाके फिर अभी मैं अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन दिखाऊंगी. मतलब अभी गर्मी का सीजन है, कुछ नहीं करती हूँ मैं मॉर्निंग से. देखा ना आप लोगों ने, इतना धूप है तो आई डोंट डू मच. बट एक छोटा सा मम्मा अर्थ का ये विटामिन सी का फेस टोनर है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ. और ये यूज़ करने के बाद आपको बहुत फ्रेश फीलिंग आता है. मैं ये पंप वो स्प्रे में नहीं मिलता है, इसको हम लोगों को कॉटन पैड में ला के फिर डाल के फिर अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन मेरे पास एक कामा आयुर्वेदा का जो छोटा सा वो होता है डब्बा है था फेस टोनर का, मैं उसमें डाल के थोड़े दिन यूज़ किया था मैंने. लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कॉटन पैड से ज़्यादा अच्छा काम रिजल्ट आता है उसका. उसमें से वो मतलब जिसके लिए जो सूटेबल है आई थिंक इसी हिसाब से वो लोग पैकेजिंग करते हैं. और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. इसमें क्यूकम्बर है, विटामिन सी है, तो आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं. और मेरे पास यहाँ पे एक कॉटन है, कॉटन बॉल था मेरे पास जो अभी ख़त्म हो गया है, तो मैं ये प्लेन जो कॉटन मिलता है उससे मैं कर रही हूँ. कुछ भी अप्लाई कर यूज़ कर सकते हो आप लोग यार. ये सब उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि कॉटन बॉल ये वो फलाना ढिमका ये कर सकते. काला हो गया है. कितने सारे रात को जो क्रीम लगाते हैं हम लोग, जो प्रोडक्ट्स हम लोग रात को लगा के सोते हैं. सुबह फेस वॉश आई डोंट यूज़, क्योंकि मेरा बहुत ड्राई स्किन है तो मैं सुबह फेस वॉश यूज़ नहीं करती. वैसे भी ड्राई ही होता रहता है मेरा, तो रात को जो लगाती हूँ मैं क्रीम तो उसके पार्टिकल्स फेस के अंदर तो रह जाते हैं. तो फिर ये टोनर सुबह लगाने से क्या होता है कि आपके मुँह से सारे वो जो डस्ट है या फिर वो क्रीम वो प्रोडक्ट्स के जो पार्टिकल्स बचे रहते हैं तो वो सब कुछ निकल आता है और आपका फ्रेश फेस एकदम फ्रेश हो जाता है. तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ. और इसको थोड़ा सूख जाने देते हैं और इसी के बीच हम लोग हेयर कॉम कर लेते हैं. मैंने तेल लगाया है अपने बालों पे, तो इसीलिए मैं कल रात को बाल बांध के नहीं सोई, अदरवाइज मैं बाल बांध के सोती हूँ. तो मैंने बाल ऐसे बांध दिया है. और अभी ये वाला जो क्रीम है जो खत्म होने वाला है, ये है VLCC का SPF 30 सनस्क्रीन. तो मैं अब धूप पे जा रही हूँ एक्सरसाइज करने बाहर, तो और वैसे भी मॉर्निंग सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है. अवॉइड करती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए अवॉइड कर देती हूँ. क्योंकि मतलब अर्ली मॉर्निंग से इतना, और दिन भर फैन भी ऑन करने के नहीं रख सकते, मतलब दिन भर नहीं अर्ली मॉर्निंग ऐसे फैन ऑन करने, दिन भर तो करना ही पड़ता है, तो अर्ली मॉर्निंग तो ऐसे फैन ऑन करके नहीं रख सकते, तो इसीलिए पसीना पूरा हो जाता है और फिर क्रीम लगाने का कुछ फायदा नहीं. रिलेटेबल ना, आप लोगों को भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी गर्मी का स्किन केयर रूटीन जरूर शेयर कीजिए. और तो इसीलिए मैं आज लगा रही हूँ ये वाला, ये लिखता तो है मैट लुक डी पिगमेंटेशन सनस्क्रीन जेल क्रीम, बट आई डोंट थिंक कि
गर्मी के सामने ये कुछ कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं लगा लेती हूँ। पसीना तो आएगा ही, लेकिन सनस्क्रीन से धूप से थोड़ा तो बचाएगा मुझे, तो मैं ये थोड़ा लगा लेती हूँ अपने फेस पे। पसीना पसीना हो गई हूँ मैं तो, मेरा ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है, तो मैं अभी घर जा रही हूँ। शूट नहीं कर पाई पूरा वीडियो क्योंकि मोबाइल तो गर्म हो जाता है सन पे रखने से, तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे। गर्मी बहुत, हवा भी चल रही थी लेकिन गर्मी तो बहुत है, क्या करें। चलिए घर चलते हैं, अभी घर पर जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे, खाते हैं। भूख लगी है ना, बहुत टाइम हो गया है। चलो देखा, क्रीम का कुछ असर ही नहीं है, पूरा सन में से रेड हो गया, इधर पूरा रेड हो गया ना गाल, कुछ असर नहीं होता है क्रीम का। ओके चलिए फिर हम लोग घर चलते हैं, रूम पर चलते हैं। और मैं फ्रेश हो गई हूँ, पसीना पसीना हो जाता है ना, एकदम स्वेट हो जाता है, इसलिए आई थॉट कि घर पे इतना नहीं होता है, मतलब घर पे इफ आई वॉश माय फेस मतलब ऐसे हो जाता है, चल जाता है काम, लेकिन ऊपर तो इतना धूप था और मैं अभी गिरने वाली थी, इसीलिए मैंने नहा लिया और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं ब्रेक किचन की तरफ, जहाँ पे हम लोग बनाएंगे ब्रेकफास्ट। चलिए, और ब्रेकफास्ट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट सुबह सुबह अच्छा मिल जाए तो दिन भर मूड अच्छा रहता है, आई फील सो। तो फिर मैंने सोचा मॉर्निंग रूटीन है तो ब्रेकफास्ट दिखाना बनता है। ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ आज, तो यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें एक बड़ा सा मैगी में जो छोटा थोड़ा सा मैगी बचा है उसका मैंने चूरा बना दिया है उसके अंदर ही, और वो मैंने अभी पैन पर डाल दिया है। उसको थोड़ा खाली ऐसे गर्म हीट गर्म पैन पे मैं थोड़ा ऐसे रोस्ट कर लूँगी, उसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़े से ऑलिव ऑयल। मैगी तो अनहेल्दी है लेकिन थोड़े से हेल्दी मतलब उसको बनाने के लिए इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है मैंने, और इसके साथ एकदम थोड़े से ऑनियन भी कट करके डाल दिया है। सिर्फ उसको ऐसे रोस्ट करना है ताकि इसका रॉ स्मेल चला जाए। उसके ऊपर एक एग दे दिया है और सबको एक साथ मिक्स कर दूँगी। अभी थोड़े से अंडे का जो रॉ स्मेल है वो भी चला जाने के बाद मैं थोड़ा एक पैकेट जो मैगी मसाला है वो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे और उसके बाद हम इस पर ऑफकोर्स पानी डालेंगे। तो फिर पानी आप अपने हिसाब से डालिए, कितना डालना चाहते हैं आप। किसी को ऐसे सूप जैसा खाना पसंद है थोड़ा पानी पानी, मुझे लेकिन बहुत ड्राई पसंद है ड्राई मैगी। और उसके ऊपर मैंने अभी मैं इसमें थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दूंगी। मुझे टोमेटो केचप ऐसे मतलब सेपरेट लेके खाने पसंद नहीं है, इसमें डालने से बहुत अच्छा लगता है। और इधर मिल्क गर्म हो चुका है हमारा, आप लोग भी ऐसा मैगी बना के खाइए घर पे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने दूध ले लिया है एक कप पे और इसमें मैं ऐड कर दूंगी कॉम्प्लान, ये केसर बादाम वाला फ्लेवर है, बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे मेरा मैगी भी रेडी हो गया है।
और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माई चैनल।